अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था CS 619 के बारे में कि इन्होंने जो है 31 मई को डेट एक्सटेंड कर दी है। तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो वीडियो में क्या है, वीडियो में देखें 31 मई को उन्होंने कहा था कि हम फिर से कोर्सेज अनाउंस करेंगे। उसके बाद कोर्सेज सिलेक्शन चल रही थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि कोर्सेज सिलेक्शन के बाद जो है हम आपका 31 मई को दोबारा जो है CS 619 के प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है वो ओपन कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ओपन होना था वो हो गया। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक और अनाउंसमेंट की, यानी कि कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए थे हमारे, लेक्चर्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद फिर वो एक कॉल करते हैं, यानी कि फाइनल कॉल के लास्ट डेट टू मेक सच अ रिक्वेस्ट 16 जून 2022। यानी फिर से आप लोगों को अलग से एक नोटिफिकेशन आएगी, यानी कि 2-3 बार अगर आप प्रोजेक्ट नहीं सेलेक्ट कर पाए तो फिर आपके पास अनाउंसमेंट में एक फाइनल कॉल आती है। ठीक है, तो देखें लिखा हुआ है इसके अंदर 16 जून 2022 उसकी जो है वो लास्ट डेट है। और यहाँ लिखा हुआ भी है, देखें प्रोजेक्ट टाइटल दिए हुए हैं। ठीक है, आप पहले जाके LMS को जाके वो सिलेक्ट करते थे। तो अब इन्होंने जो प्रोजेक्ट रिमेनिंग स्टूडेंट रह गए हैं, वो जो प्रोजेक्ट रिमेनिंग रह गए हैं वो इन्होंने डायरेक्ट आपको यहाँ शो कर दिए हैं। अब जिन स्टूडेंट ने वो जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किए वो सिर्फ यहाँ आके यही प्रोजेक्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई का ऑप्शन स्टूडेंट्स को शो होगा जिन्होंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किए होंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये सारे प्रोजेक्ट रिमेनिंग रह गए हैं जो स्टूडेंट्स ने नहीं लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि नेक्स्ट टाइम जितने भी कोर्सेज वगैरह लोग देखें CS 619 के, तो उन लोगों इस चीज़ की परेशानी ना हो और वो सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर रहें CS 619 के बारे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।